प्रदेश सरकार शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सड़क शिक्षा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है जिसके तहत स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरा जाएगा उद्योग संसदीय कार्य व आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये बात शिलाई में जन समस्याएं सुनने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कही इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 11 करोड़ रुपए की लागत से शिलाई में पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इस कार्य को इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना से क्षेत्र की पांच पंचायतों की बारह हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे उद्योग मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत सतौन नाया पंजौर और पनोग को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए करीब साढ़े चार करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना का निर्माण कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके पूरा होने के से क्षेत्र की तीस हजार से अधिक की जनता लाभान्वित होगी हर्षवर्धन ने कहा कि शिलाई में मिनी सचिवालय का शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा इसके अलावा महाविद्यालय रोणहाट और कफोटा में आईटीआई के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है उद्योग मंत्री ने निर्माणाधीन शिलाई से पांवटा राष्ट्रीय उच्च मार्ग सात सौ सात पर विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण के कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित कार्य को इस उच्च मार्ग को गुणवत्ता युक्त और लक्ष्य निर्धारित कर युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए